सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता, आपने यकीनन कमेंट किया था, डीएम में आप घुसे थे, आपने डीएम स्लाइड किया था। मैं बताता हूं सही, लेकिन है ना, आपको कैसे पता? वानिया बताएंगे, वानिया कहां से दोस्त है? सच्चा है, काफी सच्चा, आप ही बताओ। वही था कि जो मेरा दोस्त था उस मैं उससे मिलने आया था, वो लाहौर से आया था, मैं उससे मिलने आया था, तो उसने मुझे बोला जहाँ मुझे ना अभी जाना जरा, एक मेरे कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलने, तो यार मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है। मैंने कहा ठीक है आ जा। और हम लोग उस फ्रेंड से, अरीबा और मेरी छोटी बहन है, तो हम दोनों उससे बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। अब हम लोग जो है वो आए, हम लोग रेस्टोरेंट पहुंचे, हम लोग बैठ गए, ये लोग भी इत्तेफाक से आ गए, ये और अरीबा। जब लोग आए तो मैंने कहा तो वो वानी और अरीबा है ना? कहने हाँ। अच्छा आप जानते थे पहले? हाँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया से ये लोग मशहूर थे, तो वायरल काफी इनकी वीडियोस वायरल वगैरह होती थी। मैंने कहा हाँ ये तो वो हैं कि कंटेंट क्रिएटर हैं। अब क्या होता है कि ये लोग आए, अब मैं जो हूँ ना, मेरी तो आपको पता है आदत है, मैं हमेशा जो है ना वो मस्ती में रहता हूँ। मैंने कहा मैं, ये लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल, इनका शांत गाँव कैसे हैं ये लोग। अच्छा इन लोग को लगता था कि जुहाब है ना बहुत एटीट्यूड है और ये लोग जरा बात बात किसी से नहीं करता, बदतमीज। अब मुझे और मुझे क्या लग रहा था, अरे नहीं बदतमीज नहीं करेंगे लेकिन मुझे और पता क्या, और मुझे लगता था कि यार वानिया ये लोग जो है ना, वानिया के ना फेस एक्सप्रेशन ऐसा बताते कि बहुत रिजर्व रहती है। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके। अब मैं देख रहा हूँ जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे गाना बज रहा है, वो वलीमे वाला टाणाणाणा। मैंने कहा क्या बज रहा है? मैं गया और मैंने कोई फजूल सा गाना लगवा दिया उनको कि मैंने कहा मेरी माहौल चेंज करो। हाँ माहौल चेंज करो। इन लोगों का तो हंस हंस के बुरा हाल। और जब वो हुआ तो इतनी देर में मैंने कहा एक बार तुम लोग बात क्या कर रहे थे? पता चला कि अरीबन ने यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट करनी थी ना, तो कह रही है कि मैं व्लॉग स्टार्ट कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो मैंने फोन लिया, मैंने कहा देखो ये फ्रंट कैमरा होता है, मैंने ऐसे ही बटन, मैंने कहा सलाम जी मैं हूँ ज़ुहाब खान और मैं यहाँ पर आया हूँ इनके साथ, ये वो करते करते ढाई मिनट बोला। मैंने कहा उसको कैमरा पकड़ा दिया रिकॉर्डेड, मैंने कहा स्टार्ट कर दो तुम्हारा हो गया व्लॉग स्टार्ट। तो ये लोग यूँ थे कि ये कोई अलग ही तूफान बंदा है। और फिर मैंने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कह रहे हम लोग फ्री है। मैंने कहा आज बोलिंग पे चलते हैं। हम लोग बोलिंग पे निकल गए एंड देन फिर वहाँ से हम लोग ने खाना वाना साथ किया, फिर ये लोग अपना निकल गए मैं अपना निकल गया। एंड देन फिर यू नो फिर एक दो दफा फिर हम लोग की ये लोग इसकी म्यूजिक वीडियो थी वहाँ पे हम लोग की मुलाकात हुई, फिर एक दो दफा दोबारा मुलाकात हुई, देन प्रमोशंस वगैरह पे हुई। तो फिर मैंने कहा चलो यार फिर अब लोग फिर नॉर्मल बात करना शुरू हो गए ना हल्के फुल्के, फिर करते 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 हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो फिर हमने कहा चलो बेटा शादी से पहले जितना बोलना बोल ले। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ तू बोल रहा वो सुन रही है, बाद में उन्होंने बोल रहा तूने सुनना है। नहीं नहीं ऐसा हो यही रहा है अभी तक। अच्छा यही हो रहा है। जब एक्शन होता है तो फिर मैं ही बोल रहा हूँ, और रियल लाइफ में ये बोल रही होती है जब भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ जनाब। दिल की बात समझ ले, लेने आया है स्ट्रीट पे बहुत झूठा है।